इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही फिल्म बजरंगी भाईजान के ईद के खास गीत का लॉन्च मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हुआ, जहां मौजूद थे अभिनेता सलमान खान, डायरेक्टर कबीर खान, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम, सिंगर मिका सिंह और लिरिक्स राइटर शबीर अहमद। सॉन्ग लॉन्च के इस मौके पर प्रीतम और मिका के साथ सलमान खान ने भी मूड में खुद ही इस गाने को गा दिया। सवाल जवाब के दौरान सलमान खान ने बचपन की ईद के बारे में बताया। मेमोरीज तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है जब छुट्टी मिलती है और पूरी फैमिली गैदर होती है, तो जब मम्मी खाना बनाती हैं, सब भाई बहन, उस वक्त भाई बहन थे, अभी फैमिली बहुत बड़ी हुई है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब घर पे आते हैं और उनके भी दोस्त हो गए हैं, लगे हाथ सलमान ने ईद के गाने को फिल्म में अभी न डालने की वजह भी बताई। एक ये वर्जन है गाने का और एक दूसरा वर्जन भी शूट किया है फिल्म के हिसाब से, अभी वो नहीं जाएगा क्योंकि जो फिल्म का की जो एंड है बहुत ही खूबसूरत है, जब आप देख लेंगे फिल्म को उसके बाद जब फिल्म इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, उसके बाद एक नॉवल्टी के हिसाब से वो जो दूसरा जो गाना पिक्चराइज किया है वो हम देखेंगे, सोचेंगे ऑन पब्लिक डिमांड के डालें के नहीं डालें। वेल, बजरंगी भाईजान की इस बात से हम भी अग्री करते हैं एंड साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म उनकी ही कहलाए। इस बात को सोचते हुए हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सलमान की जानिब से मनोरंजन का खजाना उनके दर्शकों तक पहुंचता रहे।